एक चच्चा दो नाली बंदूक लिए खड़े रहते हैं। हेलो एवरीवन, पिनाका नाम शायद आपने सुना होगा। यह भगवान शिव की वही धनुष है जिसे कभी प्रभु श्री राम ने तोड़ा था। ठहरिए, हम बात इस शिव धनुष की नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि फायर एंड फॉरवर्ड, मतलब दागो और भूल जाओ। पिनाका जो कि DRDO के द्वारा इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे इंडियन आर्मी पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करती है। जाहिर सी बात है, ऐसे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत तो पाकिस्तान का बॉर्डर ही होगा। इसके कई सारे वर्जन हैं। फर्स्ट वर्जन MK1, जिसका रेंज 40 किलोमीटर के अप्रोक्स है, जो कि कारगिल युद्ध में बहुत ही कारगर साबित हुई थी। हाल ही में इसके एक स्टैंडर्ड वर्जन MK2 का टेस्ट किया गया, जिसे इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करते हुए बताया, और उन्होंने यह भी बताया कि इसके साथ साथ 24 रॉकेट जिनका रेंज और कैपेबिलिटी अलग अलग था, उनका भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है राजस्थान के पोखरण में। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होता क्या है, काम कैसे करता है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। पिनाका एक MBRL सिस्टम है। MBRL मीन्स मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अब बात आती है कि यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम क्या होता है। तो मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, बैरल मीन्स नाल। आप गांव घर में गए होंगे तो देखे होंगे कि किन्हीं के यहाँ दो नाली बंदूक होता है, या फिर आप किसी भी ATM के बाहर चले जाइए या फिर किसी बैंक के बाहर चले जाइए, तो वहां पे देखे होंगे कि एक चच्चा दो नाली बंदूक लिए खड़े रहते हैं। तो उनके गन में कितना नाल होता है? उनके गन में दो नाल होता है, जिसको हम दो नाली बंदूक बोलते हैं। सेम वैसे ही जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, उसमें एक बैरल से ज्यादा बैरल होते हैं, जिसके कोर से एक रॉकेट निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे करके एक पे एक स्टैंड बाई मोड पे रॉकेट निकलते रहता है, जिसे हम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कहते हैं। पिनाका के एक बैटरी के अंदर 6 लॉन्चर सिस्टम होता है, मतलब 6 लॉन्चर वेहिकल, और एक लॉन्चर सिस्टम 12 रॉकेट छोड़ने की काबिलियत रखता है। एक बैटरी 44 सेकेंड के अंदर 2 किलोमीटर स्क्वायर की पूरी एरिया बर्बाद करने की क्षमता रखता है। एक पिनाका बैटरी में 6 लॉन्चर वेहिकल, 6 लोडर वेहिकल, 6 रिप्लेसमेंट वेहिकल, 2 कमांड पोस्ट वेहिकल और एक मेट्रोलॉजिकल रडार होता है, जो सिस्टम को डाटा प्रोवाइड कराता है। हर एक लॉन्चर सिस्टम सेपरेटली कमांड पोस्ट से जुड़ा होता है, क्योंकि वार में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई लॉन्चर सिस्टम अपने बैटरी से अलग हो जाए, तो उस समय कमांड पोस्ट कमांड उस लॉन्चर व्हीकल को कैसे देगा। इसी कॉज से हर लॉन्चर व्हीकल सेपरेटली कमांड पोस्ट से जुड़ा हुआ होता है। पिनाका लॉन्चर सिस्टम मेनली ऑटोनोमस मोड में ऑपरेट किया जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्चर सिस्टम में लगा होता है, जो कि जरूरी कमांड्स फायर कंट्रोल कंप्यूटर से रिसीव करता है। पिनाका के हर एक रेजिमेंट के पास उनकी खुद की एक रडार होती है। अब बात आती है रडार क्या है। आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास आंखें हैं। मैं आपको कैसे देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं। सेम वैसे ही किसी भी रॉकेट और किसी भी मिसाइल की आंखें क्या होती है, उसकी रडार होती है। पिनाका इंडियन आर्मी के सट्टा का उपयोग करती है। सट्टा मीन्स सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन। यह इंडिया के द्वारा इंडिया के लिए बनाया गया एक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, जिसका उपयोग इंडियन आर्मी पाकिस्तान के बॉर्डर पे बखूबी करती है। कारगिल युद्ध में भी यह अपना परचम लहरा चुका है। इसके कई सारे वेरिएंट बनाए जा चुके हैं, जैसे MK1, MK1 इनहेंस्ड, और हाल ही में इसके एक एक्सटेंडेड वर्जन जो कि इसका वेरिएंट है MK2, जिसका सक्सेसफुल टेस्ट भी किया गया है, और इसके साथ साथ इसका जो थर्ड वर्जन है MK3, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट में है। और अब हम इस मिसाइल की कुछ स्पेसिफिकेशन देखने की कोशिश करेंगे। पिनाका मिसाइल के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं। लेंथ 2.91 मीटर टू 5.17 मीटर, डायमीटर 122 मिलीमीटर टू 214 मिलीमीटर, बैरल्स 12, एलिवेशन 55 डिग्री, ट्रावर्स 90 डिग्री, रेट ऑफ फायर 72 रॉकेट पर बैटरी अंडर 44 सेकेंड, इफेक्टिव फायरिंग रेंज 37.5 किलोमीटर टू 75 किलोमीटर, मैक्सिमम फायरिंग रेंज 90 किलोमीटर, वारहेड HMX हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन क्लस्टर एमुनेशन, वारहेड वेट 100 kg टू 250 kg, डिटोनेशन मैकेनिज्म
इलेक्ट्रॉनिक टाइम जोन इंजन T930 मल्टी फ्यूल टर्बोचार्जेड V8 इंजन विथ इंटरकूलर पेलोड कैपेसिटी 22 टन सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग एंड एयर सस्पेंशन प्रोपेलेंट हाई एनर्जी कंपोजिट सॉलिड फ्यूल ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर फ्लाइट एल्टीट्यूड 40 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड मैक 4.7 गाइडेंस सिस्टम रिंग लेजर जायरो इनर्शियल नेविगेशन विथ GPS नेविक सैटेलाइट गाइडेंस एक्यूरेसी ग्रेटर देन 7 मीटर लेसर देन 30 मीटर ट्रांसपोर्ट टाट्रा